और अब रांची से एचईसी में इंजीनियरों की हड़ताल जारी है। एचईसी बचाओ महारैली करीब 2 महीने से हड़ताल पर, 12 महीने से नहीं मिला वेतन एचईसी को लेकर अभी तक सरकार की मंशा साफ नहीं नजर आ रही है। तो एचईसी बचाओ नारे और इरादे के साथ इंजीनियर्स हड़ताल पर हैं और आज रैली निकाली, सीधे रुख करेंगे आयुष का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आयुष, इंजीनियरों की हड़ताल जारी है और अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है। और एचईसी इंजीनियरों के द्वारा महारैली निकाली जा रही है। ये महारैली धुरवा गोलचक्कर होते हुए मुख्यालय की ओर जाएगी और देखिए बड़ी संख्या में एचईसी कर्मी है और इंजीनियर है, इसके साथ साथ बस्तीवासी जुटे हुए हैं। तो देखिए आपको बता दें आंदोलन का 56वां दिन और लगभग 1 सालों से जो है इन जो कह सकते हैं इंजीनियरों को वेतन नहीं मिला है और कैसे इनके जो स्थिति बन पड़ी है वो स्थिति को लेकर वो सड़क पर उतरे हैं, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एचईसी को बचाना होगा। देखिए एचईसी जो है वो मात्र उद्योग है और ये ऐसा उद्योग है जिसने कितने उद्योगों को जन्म दिया। आज इसको लेकर केंद्र की मंशा जो है वो स्पष्ट नहीं है। बीच में जो है इसके प्रभारी सीएमडी जो है नलिन सिंघल पहुंचे, उन्होंने भी जो है कहा कि जो केंद्र की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अगर 1 साल से वेतन नहीं मिलने पर किस तरह बिफर रहे हैं वो तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। हम आपको दिखाएंगे आगे जो एक कार्मिक निदेशक को जूते मालो का चप्पल का जो है वो माला पहना के वो अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। हम कुछ लोगों से आपको बात कराएंगे, अपने सहयोगी रूपों से कहेंगे कि वो आगे की ओर आएंगे तस्वीरें दिखाते हुए। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर इंजीनियर है जिनसे बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं जो इधर आ जाए। आप क्या आंदोलन का 56वां दिन है, कुछ असर होता दिख रहा है? देखिए जो जो सरकार केंद्र में है वो निरीह सरकार है, वो मजदूरों के लिए नहीं बनी है, वो देश के बड़े लोगों के लिए बनी है। इसलिए 56 दिन हो या जो हो इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है इस शासन से, लेकिन मजदूर ग्रेड के और ऑफिसर ग्रेड के लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि माने यहाँ का जो राज्य सरकार है उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए और अपनी बातों को केंद्र तक पहुँचा। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के तहत जो है दीपिका पांडे और राजेश कच्छप ने उठाया था, लेकिन सरकार अभी तक कुछ वैसा। देखिए क्या है ना कि सरकार जो होती है वो बहरी होती है, उसको दिखाना पड़ता है कोई चीज, अभी उसको दिख नहीं रहा है। जिस दिन उसको ये समझेगा कि ये जो जनसंख्या है आपके खिलाफ होने जा रहा है तो उसकी आंख को खुल जाएगी, लेकिन अभी जो लड़ाई है अभी सार्वजनिक नहीं हो पाए, ये लड़ाई अभी एचईसी के अंदर में घुसा हुआ है। जिस दिन हम लोग इस लड़ाई को पूरे केंद्र आने वाले में दिखेगा, एकदम दिखेगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं, राज्य सरकार के जो MLA MP है, मैं चाहता हूँ कि उनके घरों पर भी एक एक मेमोरेंडम दिया जाए कि एचईसी इस हालात में है। जब तक ले 81 विधायक और 14 लोकसभा के सदस्यों को हम लोग नहीं बता पाएंगे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, तब तक ले हमको नहीं लगता है कि कुछ होने को है। चलिए देखिए ये आंदोलन, उन्होंने कहा कि एचईसी के अंदर है इसलिए शायद कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये आने वाले दिनों में ये जरूर नजर आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये आंदोलन अभी 2 महीना पार होने जा रहा है और 3रा महीना में प्रवेश कर रही है और ये आंदोलन बहुत ही जोर शोर से और आगे बढ़ेगी और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो निकम्मी सरकार है इसको होश में लाने का काम करेगा। ये देश ये उद्योग की जननी है चीसी, ये बहुत उद्योग को जन्म दिया है, ये माँ दिनों में आने वाले दिनों में उग्र होगा, आने वाले दिनों में ये और ज्यादा उग्र होगा और हम लोग इसमें देखिए तस्वीरें, ये निदेशक कार्मिक चोर भ्रष्ट विदाई समारोह, देखिए जो कार्मिक निदेशक है उनका विदाई समारोह भी है। और कुछ और आप कहना, क्या आज कहना चाह रहे हैं? आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतना दिनों से एचईसी के वर्कर हड़ताल पे हैं, केंद्र सरकार यहाँ के मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रही, इनके वेतन साल भर से रुका हुआ है। इस
इसलिए हम लोग तमाम एचईसी के जो लोग जो सोशल वर्कर हैं इनके साथ हैं और आने दिनों में इनके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार तक अपना बात पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है और जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम करना पड़ेगा तब भी हम लोग के साथ चक्का काम जाम करने के लिए तैयार है। तो देखिए ये भी कहा जा रहा है ये जो रास्ता है ये एक तरह का राजकीय राजमार्ग भी है, ये सीधे आपके प्रोजेक्ट की ओर जोड़ता है, मंत्रालय कैबिनेट यही बैठता है। तो आने वाले दिनों में सरकार को ये आगाह किया जा रहा है कि आपका रास्ता रोक दिया जाएगा, आप इस पर गंभीरता ले। जी सारिफ रही तौर पर आयुष और विडंबना है हमारे देश की कि युवा जो है वो रोजगार मांग रहे और जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं उदासीन रवैये की वजह से कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर आफत आ गई है। बहुत शुक्रिया आयुष, हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।